खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मनगमा सुहागी के बीच आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही। घटनास्थल का दिवस कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। इस दौरान यह बात सामने आई थी कि सड़क तल फैले अतिक्रमण के चलते भी दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके चलते वरिष्ठ अधिकारियों ने अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया था। अधिकारियों के निर्देश मिलते ही तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस प्रशासन JCB लेकर पहुंचा और लहुरिया, परासी और तेंदुआ में सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटा दिया। अतिक्रमणकारियों ने बताया कि उन्हें नोटिस दी गई थी, लेकिन 3-4 दिन पहले ही मिली है। सड़क दुर्घटनाओं के चलते अतिक्रमण तोड़ा गया है। आइए दिखाते हैं पूरी कार्यवाही और सुनाते हैं कार्यवाही की चपेट में आने वालों ने क्या कहा है। आपका नाम? आयुष जी। गांव? गांव है तेंदुआ। तेंदुआ काहे कारण आपका घर गिरा है? रोड की वजह। रोड की वजह से? क्या नोटिस मिली थी? कौन कौन घर? ठीक है, कौन कौन घर गिराने आए थे? तहसीलदार मैडम साहब। अच्छा, रोड के कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहे थे। आपका नाम? सलमान है। गांव? लोरिया परासी। काहे के कारण आपका घर गिरा है? रोड में जो क्या बोलते हैं, फोर लाइन हो गया। आपको इसके पहले बताया गया था? हाँ, 3-4 दिन पहले। कौन कौन बताने आए थे? SP और कमिश्नर, इतना कलेक्टर। नमस्कार, रीवा, मैं हूँ भानु पंडित। और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। So, see you all there.